जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में चर्चा की जाएगी यूपी ट्रिपलएससी से लेकर की कुछ लेटेस्ट अपडेट है, परिणामों और विज्ञप्ति को लेकर उसकी बात की जाएगी। साथ ही साथ आज के समाचार पत्रों में प्रमुख रूप से प्रतियोगी छात्रों के लिए जो खबरें उसकी भी बात की जाएगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल को इस प्रकार की लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जब भी वीडियो अपलोड होगी आपके काम की तो उसका नोटिफिकेशन देखने को सबसे पहले आपको मिलेगा और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी अपडेट से मुखातिब हो सके और अपनी तैयारी को धार दे सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रोज की तरह जान लेते हैं पहले करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आगामी परीक्षाओं के नज़र से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे अधिक पदक जो है किस कंट्री ने जीता है। तो याद रखिएगा यूएसए ने सबसे अधिक जो है पदक जीता है। वहीं पेरिस ओलंपिक में भारत के बारे में यदि क्वेश्चन बनेगा तो पूछा जा सकता है कि भारत का कौन सा स्थान रहा पेरिस ओलंपिक 2024 में। तो याद रखिएगा 71 प्लेस जो था वो इंडिया का था पेरिस ओलंपिक 2024 में। साथ ही साथ कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है आगामी परीक्षाएं जो भी आने वाली हैं उसमें कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो याद रखिएगा अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा आगामी परीक्षा में इसकी पूछने की काफ़ी अधिक संभावना है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना जो है कई देशों के साथ युद्धाभ्यास जो कर रही है तो इस युद्धाभ्यास को नाम क्या दिया गया है। तो नाम याद रखिएगा तरंग शक्ति नाम दिया गया है। भारतीय सेना जो है कई देशों की सेनाओं के साथ जो अभ्यास कर रही है उसको नाम दिया गया है तरंग शक्ति। तो चलिए देख लेते हैं आज की बड़ी खबर क्या है। आज के समाचार पत्रों की सबसे पहली खबर है कि यूपी बोर्ड में अगले सत्र से 10 विषय पढ़ाने की तैयारी है। नई शिक्षा नीति के अनुसार यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र के स्वरूप में काफ़ी कुछ बदलाव की तैयारी है। इसके लिए दो दिवसीय मंथन मंगलवार से शुरू हो गया। इसमें सीबीएसई के पूर्व चेयरमैन अशोक गांगुली और पूर्व परीक्षा नियंत्रक पवनीश कुमार ने बदलाव को लेकर यूपी बोर्ड के अफसरों को कई सुझाव भी दिए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं अगली खबर यूपी ट्रिपलएससी के अध्यक्ष के लिए 50 से ज़्यादा आवेदन आए हैं। पूरी खबर उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद के लिए 50 से ज़्यादा आवेदन आए हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष के कार्यों में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। प्रतियोगी छात्र से काफ़ी संतुष्ट, आने वाले समय में अध्यक्ष भी जल्द ही मिल जाएंगे। इसी महीने में अध्यक्ष आने की पूरी संभावना है। पूर्व अपर मुख्य सचिव संजय मित्तल और महेश कुमार गुप्ता और यूपी ट्रिपलएससी के वर्तमान सदस्य अखंड प्रताप सिंह भी शामिल हैं इसमें। और कुछ समय पहले यूपी ट्रिपलएससी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने इस्तीफा दे दिया था, हालांकि उनका कार्यकाल दिसंबर 2024 तक था। आयोग के वरिष्ठ सदस्य ओयन सिंह को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। तो मैक्सिमम संभावना कि अखंड प्रताप सिंह जो है यूपी ट्रिपलएससी के नए चेयरमैन हो सकते हैं, वो इस महीने के लास्ट तक जो है क्लियर हो जाएगा और आपके सामने यूपी ट्रिपलएससी के नए अध्यक्ष आ जाएंगे। फिर उनकी कार्यप्रणाली क्या रहती है ये देखने का विषय रहेगा। अब बात कर लेते हैं आगे की खबरों को लेकर के। वहीं अगली खबर, आईटीआई प्रवेश परीक्षा का परिणाम हुआ घोषित। राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश ने सत्र 2024-25 के एक वर्षीय और सत्र 2024-26 के दो वर्षीय के लिए प्रदेश में संचालित राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रथम चरण के चयन परिणाम घोषित कर दिए हैं। चयनित अभ्यर्थी वेबसाइट www.scvtup.in पर जाकर के जो है देख सकते हैं या upvscsed.government.in पर जानकारी ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कल युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटते समय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया खटाखट को लेकर के कमेंट भी किया गया कि खटाखट जो हम नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं कोई खटाखट विदेश का दौरा कर। पूरी खबर देखते हैं। सीएम योगी से नियुक्ति पत्र पाकर के लिए युवाओं को चेहरे। कोई भी भर्ती हो, किसी भर्ती प्रक्रिया को इस प्रकार से आयोजन अगर तय समय से होता तो और कितना अच्छा होता। 4-4, 5-5 साल की भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर के जो है पेपर में लंबे लुआब से दिखाया जाता है, अच्छी बात है। लेकिन अगर ये तय समय से किया तो शायद सरकार के ऊपर और कोई उंगली नहीं उठा सकता किसी भी क्षेत्र को लेकर के। आने वाले समय में ये भी बदलाव देखने को मिल सकता है। पूरी खबर है कि सीएम योगी ने 1,036 चयनित अभ्यर्थियों को बांटा नियुक्ति पर। सरकार पर आरक्षण खत्म करने की साजिश करने का आरोप लगा रहे विपक्षी दलों को मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया। उत्तर प्रदेश अंदर सेवा चयन आयोग द्वारा चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, अन्य विभागों में 1,036 पदों पर नवचयनित अभ्यर्थियों के लिए लोक भवन में आयोजित जो है ये प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पे वितरण कार्यक्रम और आंकड़ों पेश किए गए और कहा कि हमारी सरकार में आरक्षित वर्ग को लोगों के सबसे ज़्यादा जो है नौकरी दी गई। वहीं अगली खबर, एनटीए से मिला रिजल्ट जो है कट ऑफ की तैयारी तेज। यहाँ पे बात हो रही इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र 2024-25 में दाखिले के लिए करके नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट भेज दिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रवेश प्रकोष्ठ ने कोर्स वार कट ऑफ जो है तैयारी शुरू कर दी है और 20 अगस्त के बाद से यूजी में दाखिला शुरू होने की संभावना है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं अगली खबर है कि 9वीं से 12वीं तक की एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों का इस्तेमाल अनिवार्य। सीबीएसई ने स्कूलों द्वारा पाठ्यपुस्तकों के उपयोग के नियम में किया है संशोधन। अगली खबर, एमटीएस और हवलदार भर्ती 2024 की परीक्षा 30 सितंबर से होगी। कर्मचारी चयन आयोग ने मल्टीटास्किंग और हवलदार भर्ती 2024 की परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। इसकी परीक्षा 30 सितंबर से लेकर के 14 नवंबर तक कराई जा सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपलएससी से लेटेस्ट अपडेट में। आपको बता दें कि यूपी ट्रिपलएससी से जैसे ही अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाती है वैसे ही विज्ञापन आपको देखने को मिले। सारे विज्ञापन में सबसे प्राथमिकता के तौर पे जो विज्ञप्ति है वो लोअर की विज्ञप्ति देखने को मिल सकती है। उसके पहले जो है ईएनएम का भी विज्ञापन जो है जारी हो सकता है यूपी ट्रिपलएससी से। ये चीज़ें जब तक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं तब तक जो है ये पेंडिंग में ही रहेगा। वैसे इस महीने के लास्ट तक अध्यक्ष भी संभावना है पूरी आ जाएंगे, उसके बाद विज्ञप्ति भी देखने को मिलेगी। एमबीपीएससी की तरफ से जो है TRE3 OMR अपलोड करना आज ही अपलोड हो जाएगा और ये वही
रात को 12 बजे के पहले तक जो है अपलोड हो जाएगा, जिसके बारे में जो है 2 दिन से अपडेट चल रहा है, लेकिन आज जो पूरी संभावना है कि ये अपलोड हो जाएगा OMR। और बात कर लेते हैं अगले हफ्ते जो किस भर्ती का परिणाम जो जारी हो सकता है UPSC से, तो जो जानकारी मिल रही है उसमें सबसे पहले जो है वन रक्षक का परिणाम जो है पूरी तरह से वो कंप्लीट है, लगभग परिणाम वो परिणाम देखने को नेक्स्ट वीक मिल सकता है। और इस महीने के लास्ट तक जो वीडियो का भी परिणाम जो है UPSC जारी कर देगा, तब तक फिर नए अध्यक्ष आ जाएंगे, उनकी कार्यप्रणाली क्या होती है, आने वाला समय बताएगा, उससे उनके कार्यों में भी तेजी देखने को मिलेगी, तो प्रतियोगी छात्रों के लिए काफ़ी अच्छा होगा। अभी तक के कार्यवाहक अध्यक्ष के द्वारा जो काम किए गए हैं वो काफ़ी तेजी के साथ ये तय समय पर जो उन्होंने कहा उस समय पर जो है निर्णय लेके त्वरित परिणाम को जारी कर दिया गया, तो आने वाले समय में भी देखना UPSC क्या कामों में तेजी इसी तरह रहती है या फिर ढील-ढिलवाई होती है। अब नए अध्यक्ष आने की बात संभावना पूरी है कि इस महीने भी अध्यक्ष आ जाएंगे, तो कुछ भर्तियों का विज्ञापन देखने को मिल सकता है और कुछ भर्तियों का रिजल्ट, जितने भी पेंडिंग रिजल्ट है वो रिजल्ट प्राथमिकता के तौर पर UPSC क्लियर करेगा और उसके बाद जो है परीक्षाओं का दौर शुरू हो जाएगा नवंबर माह से। ये लेटेस्ट अपडेट है UPSC से। बाकी के लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगली बड़ी खबर अपडेट के साथ।